हेलो, स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी में, और मैं हूं अमित कुमार सिंह। और आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। जिस बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ने से डर लगता है, जो मैथमेटिक्स से काफ़ी दूर भागते हैं, अब उनको दूर भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स एकदम इजी मेथड में पढ़ाया जाएगा, एकदम इजी वे में पढ़ाया जाएगा, जिससे कि हर एक स्टूडेंट, छोटे से छोटे और बड़ा से बड़े स्टूडेंट को समझ में आएगा हर एक टॉपिक। तो मैं आज आपको मैथमेटिक्स का एक सबसे ईजी और सबसे कॉमन टॉपिक, जो कि है रियल नंबर, रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रियल नंबर में बहुत सारी नंबर आती हैं। हर चीज को अगर हम लोग काउंट करते हैं तो नंबर में काउंट करते हैं। अगर किसी चीज़ की ऊंचाई मापनी हो, किसी चीज़ को काउंट करना हो कि ये नंबर कितना है, तो उसको हम लोग नंबर में देखते हैं कि ये 10 है, ये 12 है। तो भाई, कौन से नंबर को किस कैटेगरी में रखा गया है, उसको हम लोग आज डीपली जानेंगे। तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर, उसके बाद सेकेंड आता है होल नंबर, उसके बाद आता है इंटीजर, उसके बाद रेशनल नंबर, उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। तो भाई, नेचुरल नंबर को हम लोग, आखिर कौन ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर में आता है, और उसको नेचुरल नंबर में ही क्यों रखे हैं, ये क्वेश्चन हमको एक सबसे पहले उठ करके आता है। तो नेचुरल नंबर में, बचपन में हम लोग को कोई भी अगर व्यक्ति पूछता है कि बाबू काउंटिंग सुनाओ, तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 सुनाते हैं। या फिर कोई पूछता है कि आखिर भाई नंबर थोड़ा सा आपको अगर गिनती वगैरह याद हो तो सुनाइए, तो 1 2 3 4 5 हम लोग सुनाना शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा 0 से काउंट नहीं करता है, यानी 1 2 3 4 से यहीं से शुरू कर देता है, यानी लगता है कि ये नेचुरली प्रोसेस है, सारे बच्चे यहीं से सीखते हैं, इसीलिए इस सारे नंबर को उठा करके नेचुरल नंबर में रख दिया गया है। अब आता है सेकेंड होल नंबर। इसमें क्या होता है, होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, कोई भी नंबर लिखा जाता है तो उसमें कोई भी, या फिर मोबाइल नंबर ही क्यों ना हो, तो लिखा जाता है उसमें 0 जरूर आता है। उसमें ध्यान दीजिएगा, बिना 0 का बहुत ऐसा कम ही नंबर होगा जिसमें 0 नहीं आता, यानी 0 की जरूरत है। तो नेचुरल नंबर की सारी संख्याएं होल नंबर में होती है, लेकिन इसमें एक 0 इंक्लूड हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। थर्ड है हमारा इंटीजर। अब इंटीजर के बारे में डीपली जानकारी लेंगे। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक होता है इंटीजर जो है, इसमें नेचुरल नंबर की सारी संख्याएं होती है, एक 0 भी होता है, और उसका नेचुरल नंबर का निगेटिव नंबर भी होता है, यानी कि ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल निगेटिव नंबर टुगेदर 0 आर कॉल्ड इंटीजर। अब हम ध्यान देंगे कि यहां पे जो नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर की सारी संख्याएं होल नंबर में है, लेकिन होल नंबर की सारी संख्याएं नेचुरल नंबर में नहीं है, एक 0 है जो नेचुरल नंबर में नहीं है, यानी कि नेचुरल नंबर जो है होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर कभी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, सारा टोटल होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। सेम, इन द सेम वे हम लोग देखेंगे इंटीजर के बारे में, नेचुरल नंबर और होल नंबर की सारी संख्याएं इंटीजर में मौजूद है, लेकिन इंटीजर की सारी संख्याएं नेचुरल नंबर और होल नंबर में मौजूद नहीं है। कुछ ऐसे नंबर हैं जैसे कि निगेटिव जो है वो आपका होल नंबर में नहीं है, 0 और निगेटिव जो है आपका नेचुरल नंबर में नहीं है। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं और तीनों में डिफरेंस कर सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर। आखिर रेशनल नंबर होता क्या है, तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि वैसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होता है, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और Q यानी कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। यानी कि फ्रैक्शन, वैसा फ्रैक्शन जो P बाई क्यू के रूप में लिखा हो। फ्रैक्शन भी जो होता है, बट्टा जो होता है, बहुत प्रकार का होता है। कुछ बट्टा होता है जो पूर्ण रूप से कट जाता है, और कुछ बट्टा होता है जो बार बार रिपीट होने लगता है। जैसे कि यहां हम लोग फ्रैक्शन देखेंगे, फ्रैक्शन में 1/2 भी एक प्रकार का फ्रैक्शन है, और यहां 1/3 भी एक प्रकार का फ्रैक्शन है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 0.5 यानी 0.5 आ जाता है, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी कि इसके बाद से ये नंबर नहीं कटेगा। लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये बार बार एक ही संख्या रिपीट होगा, 3 3 3। यहां डिवाइड करके हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा, पॉइंट बैठेगा 0 हो जाएगा, 3 3 9 होता है, 1 हो जाएगा, फिर यही नंबर बार बार रिपीट होते रहता है, और इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग।
इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं शांत, ध्यान दीजिएगा यहां पे, और नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं अशांत। नाम में ही इन सब के बारे में हम लोग अच्छा से जान जाएंगे। शांत का मतलब होता है जो शांत हो चुका है, इसके बाद नंबर नहीं बढ़ेगा, और अशांत का मतलब इसमें हमेशा बेचैनी है, ये बार बार नंबर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इसीलिए हम इसको 0.3 पर रेकरी लगा देते हैं। यानी हम इसको कहेंगे नॉन, यहां पे हम लोग कह देंगे टर्मिनेटिंग, यहां पे है टर्म नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, और यहां पे है टर्मिनेटिंग, यानी कि ये है शांत और ये है अशांत। यहां ध्यान देने वाली बात है कि कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो डेसिमल के बाद अलग अलग प्रकार का नंबर आते हैं, जैसे कि यहां पे हम लोग देखें अगर पाई का वैल्यू भरे तो होता है 3.141, ऐसे करके कुछ नंबर ऐसा होता है, यानी कि ये नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा, ये नंबर बार बार चेंज होता जाएगा, जैसे 3.425, 3.5645, ये नंबर सेम नहीं मिलेगा, जिस तरह यहाँ पे वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, यहाँ पे वो नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा, यानी कि ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, यहां रेकरिंग नहीं होगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां रेकरिंग लग चुका है, यानी कि जो बार बार रिपीट नंबर होगा वो नंबर, और जो जिसका रिमाइंडर जीरो है, जो शांत हो चुका है वो नंबर, दोनों नंबर को फ्रैक्शन में हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग वाला नंबर है इसको हम लोग कभी भी फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते हैं, और ऐसा नंबर कभी भी बट्टा के रूप में फ्रैक्शन के रूप में लिखा नहीं होता है। तो जिसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में बदल सकते हैं, यानी कि बट्टा के रूप में बदल सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। उसी को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, और जिसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में नहीं बदल सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। तो मेरे हमको समझाने के पीछे यही मकसद था, रेशनल और इरेशनल को समझाना था, इसीलिए हम आपको फ्रैक्शन से लेकर के आए और इस टॉपिक को क्लियर किए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफी अच्छा से समझ में आया होगा, और हम लोग जितना भी नंबर पढ़े, रेशनल नंबर पढ़े, इरेशनल नंबर पढ़े, जितना भी नंबर पढ़े, इन सबको पढ़ाने के पीछे एक मकसद था कि आखिर ये रियल नंबर होता क्या है। तो यहां हम लोग देखेंगे एक चीज कि हम पढ़े नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सबको सारे नंबरों को मिला करके उठा करके अगर एक बॉक्स में रखें और उस बॉक्स को हम उठाएं तो पर्सनली नहीं कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर का ही नंबर उठा है, इस टोटल नंबर को ही हम लोग कहते हैं रियल नंबर सिस्टम। तो आई होप कि आप लोग काफी अच्छा से रियल नंबर सिस्टम के बारे में समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।